पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में होने की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बिहार में 40 सीटों का तिलस्म कैसे टूटेगा। हालांकि एनडीए गठबंधन ने 40 सीटों के अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन के तरफ से उम्मीदवारों का नाम तय नहीं हुआ है और इसको लेकर के अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि जिस तरह से 2 चरण के नामांकन के बाद अचानक से इंडिया गठबंधन में एक दल और बढ़ गया और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी जो है वो कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मुकेश सहनी ने ये फैसला लिया है और उनके फैसले के बाद जो चर्चाएं शुरू हो गई है कि उन्हें 3 सीटें मिली है और 3 सीटों में वो किसे उम्मीदवार बनाएंगे। इस बार एक चर्चा बहुत जोरों पे चल रही है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच जो प्रेस वार्ता के समय चेहरे का जो भाव था और जिस तरह की बॉन्डिंग नज़र आ रही थी, उससे साफ लग रहा था कि ये संबंध आगे चलाने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन बनाए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब 3 सीटें जो मिली हैं, गोपालगंज की, मोतिहारी की और झंझारपुर की, उसमें कहा यह जा रहा था कि झंझारपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे मुकेश सहनी, लेकिन अचानक से मुकेश सहनी ने अपने आप को चुनाव लड़ने से रोक लिया है। हालांकि एक निजी चैनल की माने तो उन्होंने कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने चुनावी गठबंधन के पीछे सीएम और डिप्टी सीएम पद की डील की बात भी कही है। आपको याद होगा कि 2020 में भी इसी तरह से सीएम और डिप्टी सीएम के मुद्दे पर एक बार गठबंधन टूट गया था और मुकेश सहनी ने अपने आप को महागठबंधन से बाहर कर लिया था। विधानसभा के लिए ये डील हुई है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और बताया कि लोकसभा के चुनाव में परिणाम जो भी हो, लेकिन विधानसभा में हमारी अगर गठबंधन जीतती है तो तेजस्वी होंगे सीएम और हम डिप्टी सीएम बनेंगे। बिहार में सरकार को लेकर के और निषाद आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि सरकार बनी तो निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पिता मछली मारते थे, अगर एक दिन मछली न मार पाए तो खाने पे भी बांधे हो जाते थे। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि इस समस्या से अपने समाज को वो निकालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि मैंने इस संदर्भ में अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए अमित शाह से भी मुलाकात की थी। निषाद समाज को आरक्षण देने पर सहमति तो बनी थी, लेकिन एन वक्त पर नीतीश कुमार भी साथ हो गए और मुझे इस बात के लिए जो वादा किया गया था वो तोड़ दिया गया। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला है। लगातार वो पिछले 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाती है और अपने जो घटक दल हैं उन्हें खत्म करने की साजिश रचती है। उन्होंने कहा कि हमें भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे समाज के लोगों का यह संकल्प है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर दिया है, इसमें इस बार मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो विधान परिषद की जो खाली होंगी सीटें उन सीट पर जाएंगे और बिहार में वो रहेंगे, अपनी पार्टी को बिहार से ही चलाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे वो क्या कुछ करते हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि मुकेश सहनी ने इशारा कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।